पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि रात्रि में हमें शीशा नहीं देखना चाहिए, इसके पीछे कारण क्या है? प्रवीण जी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि रात में शीशा देखने से आयु कम होती है, इसलिए रात में शीशा मत देखो। अब देखिए, रात में शीशा देखने का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं तैयार होके जा रहे हैं किसी शादी में, पार्टी में, ऑफिस में, तब मत देखिए। इसका कहने का मतलब ये है कि आप रात में सो रहे हैं, मिडनाइट में आप उठे, उस समय शीशा मत देखिए। मिडनाइट में अंधकार हो जाने के बाद बाथरूम में आप गए या शीशा लगा हुआ है, अंधकार में शीशा देखने से, खासतौर से रात में शीशा देखने से बचना चाहिए, क्योंकि निद्रा में या अर्ध निद्रा में अपनी परछाई शीशे में अच्छी नहीं दिखती। आप डर सकते हैं, आप घबरा सकते हैं, अपनी परछाई देख के आप डर सकते हैं, इसलिए सामान्यतः कहा जाता है कि मध्यरात्रि में या रात के समय में शीशा मत देखिए। और अगर देखना ही है तो पहले अच्छी तरह से प्रकाश कर लीजिए, लाइट चारों तरफ से जब ठीक हो जाए तब शीशा देख सकते हैं, अगर मजबूरी है तो। लेकिन शीशा रात में देखने से आयु कम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। शीशा रात में देखने से अचानक आप डर सकते हैं, आप घबरा सकते हैं, इसके लिए ऐसी मनाही की गई है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि सूर्य किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करता है। पंडित जी, अगर कुंडली में सूर्य बहुत ज्यादा खराब हो तो हृदय रोग भी हो जाता है, बिल्कुल, बहुत सारे लोगों को। तो अगर ऐसी संभावना बनती है, किसी की कुंडली देख करके ऐसे सिम्टम नजर आते हैं, तो उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? देखिए प्रवीण जी, सूर्य और पंचम भाव ये हृदय के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, और सूर्य अगर पाप ग्रहों से पीड़ित होगा या सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो हृदय रोग होने की संभावना बन जाएगी। अगर आपकी कुंडली में हृदय रोग होने की संभावनाएं हैं तो शुरुआत से आप दो काम करते जाइए ताकि आप हृदय रोग से बच सकें। पहला काम, सूर्य को जल चढ़ाइए और सूर्य देव के सामने बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करिए, ऐसा रोज सुबह करिए। दूसरा काम, एक पुस्तक आती है, उसका नाम है सूर्याष्टक, सूर्याष्टक। इस सूर्याष्टक का पाठ भी अगर नित्य प्रातः आप करें जल चढ़ाने के बाद, तो सूर्याष्टक का पाठ करने से भी आप हृदय रोग की समस्याओं से बचे रहेंगे। और अगर आपको हृदय रोग हो ही गया है तो ऐसी स्थिति में भी सूर्य को जल चढ़ाने से और सूर्याष्टक का पाठ करने से वो रोग बिगड़ने नहीं पाएगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।